गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम आपको स्वर के बारे में बताएंगे कि स्वर किसे कहते हैं। स्वर जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना किया जाता है वह स्वर कहलाते हैं। अब स्वर के कितने भेद होते हैं? तो स्वर के तीन भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। अब हम जानेंगे कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये चार होते हैं, अ, ई, उ तथा ऋण। अब हम दीर्घ स्वर के बारे में जानेंगे कि दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर के दो गुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये सात होते हैं, आ, ई, ऊ, ए, आए, ओ, औ। इसमें ह्रस्व से जो है दो गुना समय लग रहा है, इसलिए यह दीर्घ स्वर हुआ। तीसरा है प्लुत स्वर। अब हम प्लुत स्वर के बारे में जानेंगे कि प्लुत स्वर क्या होता है। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तीन गुना समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। इसका चिन्ह एस है, जैसे जाओ, ओम, राम आदि। थैंक यू क्लास।